हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, स्टेट गवर्नमेंट, सोशल साइंस, क्लास 10। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्चुअल एग्जीक्यूटिव, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर स्टेट ऑल्सो। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया है स्टेट को भी। एंड इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो एक्चुअल लेजिस्लेटिव पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये बताया इसने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक्चुअल जो पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है स्टेट के, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि वो जो भी काम करते हैं वो उसके उसका जवाब उनको लेजिस्लेटिव असेंबली को देना होता है। तो एक तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इन पर कंट्रोल का काम भी करती है। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किस प्रकार से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी इनको कैसे बनाया जाता है, कैसे इनको अपॉइंट किया जाता है, इनमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाने का सबसे पहला जो कदम है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, और उसके बाद वो अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को विद द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से। द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल फॉलोड इन दिस रिगार्ड इज दैट द लीडर ऑफ द पार्टी इन मेजोरिटी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। लेकिन जो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल है, या हम कहें जो सिद्धांत है हमारा, परंपरागत जो सिद्धांत चला आ रहा है कि जो भी मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। और जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसी को जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है। तो ये तो था चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो चीफ मिनिस्टर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपनी लिस्ट तैयार करता है मिनिस्टर्स की। तो अदर मिनिस्टर्स आर सिलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर, और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने का काम चीफ मिनिस्टर करता है। एंड ही प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ मिनिस्टर, और वो जो लिस्ट होती है मिनिस्टर्स की और उनके जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो गवर्नर को देता है। पोर्टफोलियो मतलब विभाग। तो गवर्नर को वो मिनिस्टर्स की लिस्ट देता है, और साथ साथ में उन मिनिस्टर्स को कौन कौन से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो देता है। द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रिविलेजेस प्रिविलेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस प्रकार से जो चीफ मिनिस्टर होता है उसी को ये प्रिविलेज दी गई है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करे। प्रिविलेज हम बोलते हैं इसको, सुविधा एक तरह से। द नंबर ऑफ दीज मिनिस्टर्स इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय चीफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए इनका नंबर भी चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड करता है। अकॉर्डिंग टू 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग द साइज ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज है, कितने मेंबर्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, ये बताया गया जो साइज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हैज़ बीन कैप्ड एट 15% ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर इसको बताया गया है।
इन सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन के अंदर, इन सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के सिलेक्शंस के अंदर चीफ मिनिस्टर प्रैक्टिकली मेंशन द फॉलोइंग थिंग्स. तो जो चीफ मिनिस्टर होता है ये जो चीज है इनको ध्यान में रखता है. ऑल द रीजंस एंड सेक्शंस ऑफ द स्टेट आर प्रोवाइडेड लॉफुल रिप्रेजेंटेशन. जितने भी रीजंस हैं या सेक्शंस हैं स्टेट के, वो लॉफुल रिप्रेजेंट किए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. यूजुअली द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट्स अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम हिज पार्टी. आमतौर पर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी पार्टी से बनाता है. बाय विच द काउंसिल मे फंक्शन इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म, जिससे कि जो काउंसिल है वो एक 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 होकर काम करे, इंटीग्रेटेड यानी उसी का एक अंग होकर काम करे. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उन्हीं के पार्टी का हिस्सा होते हैं और वो सब मिलकर काम करें. फंक्शन मतलब होता है काम करना. तो ये दो चीजें हैं जो प्रैक्टिकली मेंशन होती हैं चीफ मिनिस्टर के, जो मेंशन की जाती हैं. सबसे पहले तो ये कि जितने भी रीजंस हैं, सेक्शंस हैं स्टेट के, मिनिस्टर्स के रूप में रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है लॉफुली तरीके से. और आमतौर पर जो चीफ मिनिस्टर होता है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है अपनी ही पार्टी में से. और विच द काउंसिल में भी, जिससे कि जो काउंसिल है वो एक होकर काम करे. देन फिर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि जितने भी मेंबर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, दे शुड बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर. तो ये सबसे पहले इनकी क्वालिफिकेशन में आ जाएगा कि इट इज मैंडेटरी, कि कंपल्सरी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स होने चाहिए किसी भी हाउस में लेजिस्लेचर के. इफ एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर अपॉइंटमेंट के समय में मिनिस्टर मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का अगर वो मेंबर नहीं है, देन इट इज मैंडेटरी फॉर हिम और हर. तो ये उसके लिए जरूरी होता है कि वो अपनी मेंबरशिप सिक्योर कर ले लेजिस्लेचर के अंदर विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर ऑफ हिज हर हर अपॉइंटमेंट. उसका अपॉइंटमेंट से 6 महीने के अंदर अंदर, जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है उस डेट से लेकर 6 महीने तक उसको अपनी मेंबरशिप हासिल करनी होती है किसी भी हाउस के अंदर. अगर वो मेंबरशिप लेने में फेल हो जाता है तो देन ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो उसको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है. तो ये क्वालिफिकेशन में आ गया. क्वालिफिकेशन में क्या है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं उनको किसी भी हाउस का मेंबर होना जरूरी होता है. और अगर उनको अपॉइंट कर लिया गया है उस समय जब उनको अपॉइंट किया गया था, तब वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हैं, तो उनके पास 6 मंथ का टाइम होता है कि 6 मंथ के अंदर उनको अपनी जो मेंबरशिप है वो सिक्योर कर लेनी है. और अगर वो मेंबरशिप सिक्योर करने में कामयाब नहीं हुए 6 मंथ के अंदर अंदर, तो उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन देना होता है. ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट से उसको रिजाइन करना पड़ता है. देन फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज बिटवीन द मिनिस्टर्स. तो जो विभाग है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना मिनिस्टर्स के बीच में. द गवर्नर डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियो अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम चीफ मिनिस्टर. तो जो गवर्नर होता है वो पोर्टफोलियो बांटता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट करता है जब उनको वो शपथ दिला लेता है टेकिंग. और उनको जो पोर्टफोलियो बांटता है वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही बांटता है. यूजुअली देयर इज अ सिंगल डिपार्टमेंट अंडर वन मिनिस्टर. आमतौर पर ये होता है कि एक डिपार्टमेंट होता है एक मिनिस्टर के अंडर में. बट सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस के अंदर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं किसी मिनिस्टर के अंडर में. तो ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो के.
देन अब आता है ओथ टेकिंग बाय मिनिस्टर्स। ओथ टेकिंग बाय मिनिस्टर्स मतलब शपथ लेना बिफोर एज्यूमिंग देयर ऑफिस, इससे पहले कि वो अपने ऑफिस के अंदर जाएं या अपने ऑफिस का कार्यभार संभालें। द मिनिस्टर हैव टू टेक टू टाइप ऑफ ओथ, उनको दो प्रकार की ओथ लेनी होती है गवर्नर के सामने। तो कौन से दो टाइप की होती है ओथ? एक तो होता है, फर्स्ट इज द ओथ ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी इन ऑफिस, कि वो अपने ऑफिस के अंदर जो उनकी ड्यूटी है उसको पूरा करेंगे। और दूसरा इज ओथ ऑफ सीक्रेसी, कि कोई भी काम है उसको वो गुप्त रखेंगे, यानी जो सीक्रेसी है ऑफिस की उसको लीक नहीं करेंगे। तो दो उनको शपथ लेनी होती है, एक तो अपना कार्यभार है वो ईमानदारी से निभाना, और दूसरा सीक्रेसी यानी कि गुप्तता की शपथ लेना। देन फिर आता है कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं? तो इसको बांटा गया है थ्री कैटेगरीज के अंदर इन द स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये हैं कैबिनेट मिनिस्टर और मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट मिनिस्टर और मेंबर ऑफ कैबिनेट, और सेकेंड है स्टेट मिनिस्टर, एंड थर्ड है डिप्टी मिनिस्टर। तो ये तीन तीन टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर। द कैबिनेट मिनिस्टर आर मोस्ट पावरफुल, और जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। द कैबिनेट जॉइंटली डिसाइडेड अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, और जो कैबिनेट है वो जॉइंटली एक साथ मिलकर गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिसाइड करता है। सम स्टेट्स मिनिस्टर्स कैन बी एलोकेटेड, और कुछ जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट उनको एलोकेट किए जाते हैं, यानी कि कुछ स्टेट मिनिस्टर्स को उनके अलग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट सौंपे जाते हैं। एंड सम स्टेट मिनिस्टर्स हैव द कैबिनेट मिनिस्टर्स, और कुछ जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करें इन फुलफिल देयर ड्यूटीज, उनकी ड्यूटीज उनके कर्तव्य निभाने में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में। आफ्टर द स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर के बाद आते हैं डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर का क्या काम होता है? इनका काम होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करना। असिस्ट मतलब होता है सहायता करना, तो ये एक तरह से सहायक के रूप में काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के। तो ये इनका अलग अलग हो गया, तीन टाइप के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जो कैबिनेट होता है वो ही जॉइंटली डिसाइड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। और कुछ जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट सौंपे जाते हैं, और कुछ मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करते हैं। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में या पूरा करने में। और आफ्टर स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स के बाद डिप्टी मिनिस्टर मिनिस्टर्स आते हैं, जिनका काम होता है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करें उनके काम में। देन फिर आता है टेन्योर। टेन्योर क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? जैसे कि आप तो इसमें टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला गया है, तो जो टेन्योर है यानी कि जो कार्यकाल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो डिपेंड होता है कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉन्फिडेंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर, तब तक ये अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर रहते हैं, अपने अपने ऑफिसेस के अंदर रहते हैं। और जनरली इनका जो टैन्योर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो है इज फॉर मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 साल तक रह सकते हैं। बिकॉज द टैन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो 5 ईयर, क्योंकि क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली से बिलोंग करते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का ही टेन्योर 5 ईयर है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर ही होगा। देन फिर आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि एक साथ मिलके उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं।
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये सबके सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति. जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति. इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया मिनिस्टर्स के खिलाफ और रिजेक्ट कर दिया बिल को जो भी मिनिस्टर ने दिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होता है, यानी उन सबको रिजाइन करना होता है अपनी पोस्ट से. तो ये इसने बता दिया कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास कर दिया है अगेंस्ट द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर के खिलाफ, और उन्होंने जो भी बिल प्रेजेंट किया है उसको अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको सबमिट करना होता है रेजिग्नेशन लेटर, अपना अपनी पोस्ट से रिजाइन करना होता है. देन फिर आता है सैलरी एंड अलाउंसेस. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164(5), आर्टिकल 164(5) के अकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर हैज राइट. स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये राइट होता है कि वो सैलरी फिक्स करें या जो भी अलाउंसेस होते हैं, जो उनको भत्ते वगैरह दिए जाते हैं सैलरी के अलावा मिनिस्टर्स को, उन सब के बारे में डिसाइड करने का काम केवल स्टेट लेजिस्लेचर के पास में है. और ये कौन से आर्टिकल के तहत है? ये है आर्टिकल 164(5). 164 का पार्ट है 5. इसके तहत स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार होता है कि ये फिक्स सैलरी सैलरी को फिक्स करे या अलाउंसेस जो है मिनिस्टर को उनका फिक्स करे. तो ये तो था सारा आपका कैसे फॉर्मेशन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, क्या सैलरीज होती हैं, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैसे ये काम करते हैं, वो सारी चीज़ें थी. अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि ये कैसे काम करते हैं. कैबिनेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अभी आपने पढ़ा था थ्री टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर. तो जो कैबिनेट होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट यूनिट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर. एंड द कैबिनेट टेक डिसीजन, और जो कैबिनेट है वो डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग ऑल इम्पॉर्टेंट इशूज, जितने भी इम्पॉर्टेंट इशूज हैं उनके ऊपर. नॉर्मली द मीटिंग ऑफ कैबिनेट आर हेल्ड वंस इन अ वीक, और आमतौर पर जो कैबिनेट की मीटिंग है वो वीक में एक बार होती है. बट वेन एवर द चीफ मिनिस्टर विशेज, और जब भी चीफ मिनिस्टर विश करता है या चाहता है तो वो कैबिनेट की मीटिंग को बुला सकता है. तो ये चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, वैसे वीक में एक बार इनकी मीटिंग होती ही होती है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर चाहे, चीफ मिनिस्टर होता है चाहे वो कोई भी हो, वो मीटिंग को बुला सकता है अगर वो चाहे तो. चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर दीज मीटिंग, और चीफ मिनिस्टर ही इन मीटिंग को स्टार्ट करता है, आगे बढ़ाता है. एंड मोस्ट सीनियर मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर सच मीटिंग इन और हर एब्सेंस. और अगर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं वो ही मीटिंग है उसको आगे स्टार्ट करते हैं. एंड देयर इज नो क्वेरम ऑफ दिस टाइप ऑफ मीटिंग, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेरम नहीं होता है इस टाइप की मीटिंग के अंदर. देन फिर आता है आपका देयर आर टू मेजर रूल्स रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ कैबिनेट. यहाँ पर दो प्रकार के रूल्स होते हैं कैबिनेट्स के काम करने से रिलेटेड, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड सीक्रेसी. और ये कौन कौन से हैं? पहला तो है कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति, और सीक्रेसी इनको रखना होता है. सीक्रेसी यानी गुप्तता. यूजली ऑल डिसीजन आर अनएनिमसली
टेकन इन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। आमतौर पर जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में लिए जाते हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल डिस्कशन, तो जो डिसीजन है वो म्यूचुअल डिस्कशन के बेसिस पर होता है, यानी आपसी वाद विवाद है, आपसी जो भी इनके बीच में डिस्कशन होता है फेवर में या ना इन फेवर में, बातचीत के थ्रू। एंड सच डिसीजन इज रिगार्डेड टू बी द कलेक्टिव डिसीजन्स। और जो ऐसे डिसीजन्स होते हैं जो बातचीत के थ्रू लिए जाते हैं, इनको कलेक्टिव डिसीजन्स माना जाता है ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स का। तो ये इसमें बताया गया कि जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट के अंदर लिए जाते हैं, और अगर कोई डिस्प्यूट भी होता है वैसे तो सब लोग उस चीज़ पे राजी होते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो आपसी बातचीत के थ्रू इनको सॉल्व किया जाता है। और जो डिसीजंस होते हैं ऐसा माना जाता है कि कलेक्टिवली डिसीजंस होते हैं सभी मिनिस्टर्स के। एवरी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक द ओथ। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हर मेंबर को शपथ लेनी होती है सेक्रेसी की, गुप्तता की, कि भाई हम कोई भी बात जो है यहाँ की वहाँ नहीं करेंगे। एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स एंड डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कैप्ट सीक्रेट। और जितनी भी प्रोसीडिंग होती है या जो भी डिसीजन लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, उनको गुप्त रखा जाता है। देन फिर आता है आपका पावर एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, शक्तियाँ क्या हैं और क्या वो काम करते हैं। ऑल दो एज पर आर्टिकल 163 द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टू असिस्ट एंड गिव एडवाइस टू द गवर्नर। आर्टिकल 163 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज टू असिस्ट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम है सहायता करना और एडवाइस देना गवर्नर को। ये आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। यट लेकिन एक्चुअल जो पोजीशन है या एक्चुअल जो सिचुएशन है इज जस्ट अपोजिट। ये बिल्कुल अपोजिट है। क्या बताया इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 163 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो ये बताया गया है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर की सहायता करने के लिए रखे जाते हैं या इनको एडवाइस देने के लिए रखे जाते हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन जो है बिल्कुल अपोजिट है। दोज पावर्स विच हैव बीन कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्नर, वो सारी पावर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को दी थी, उस पावर को एक्चुअल में जो यूज करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैं जो गवर्नर की पावर को प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ही जितने सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन्स हैं उनको लेते हैं, डिसीजन्स को लेते हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजन्स को, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑफ द स्टेट। एंड द चीफ मिनिस्टर्स गिव इंफॉर्मेशन, और जो चीफ मिनिस्टर है वो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट दीज डिसीजन, इन सभी डिसीजन्स के बारे में गवर्नर को। तो यही समझ आया कि आर्टिकल 160 ने तो 163 ने तो गवर्नर को ये पावर दी है कि वो जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको करे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता से, उनके एडवाइस से, लेकिन एक्चुअल में ये जो पावर्स होती हैं गवर्नर की उसको यूज कर रहे होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्टेट के, और जो चीफ मिनिस्टर है वो जो भी डिसीजन इन्होंने लिए हैं उनके बारे में गवर्नर को इन्फॉर्म करता है। तो सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज को बनाना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू फॉर्म द गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म पॉलिसीज रिगार्डिंग होम मिनिस्ट्री, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये पॉलिसीज बनाते हैं
होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एटसेट्रा, इन सब से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाने का काम है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉट ओनली फॉर्म पॉलिसीज बट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर न केवल पॉलिसी बनाते हैं बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही होता है। देन फिर आता है आपका रिकमेंडेशन टू गवर्नर इन कॉन्टेक्स्ट टू अपॉइंटमेंट ऑन इम्पॉर्टेंट पोस्ट। गवर्नर को रिकमेंडेशन करना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट पोस्ट, जो भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट है उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड गवर्नर को सलाह मशवरा देना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर अपॉइंट्स एडवाइस एडवोकेट जनरल। गवर्नर है ये अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल को, चेयरमैन को एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसेज को आफ्टर टेकिंग एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेने के बाद ही वो अपॉइंट करता है। तो ये सबसे पहला काम हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कि वो सलाह देते हैं गवर्नर को इम्पॉर्टेंट पोस्ट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। और कौन कौन आते हैं इसके अंदर, जैसे कि एडवोकेट जनरल हो गए, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो इनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से। देन फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव के अंदर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन, द मिनिस्टर्स रिमेन प्रेजेंट इन लेजिस्लेचर। और जो मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रेजेंट होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, एंड आंसर द क्वेश्चंस और सवालों के उत्तर देते हैं, एंड डिफेंड द क्रिटिसिज्म मेड बाय द मेंबर ऑफ मेड बाय द मेंबर एंड सपोर्ट द गवर्नर गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ये मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है जो भी क्वेश्चन सवाल होते हैं उनके आंसर देना, और जो मेंबर्स हैं और साथ में जो आलोचनाओं से बचाना, मेड बाय द मेंबर्स जो कि मेंबर्स के थ्रू बनाए गए हैं, सपोर्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको सपोर्ट करना। तो ये काम किसका है, काउंसिल ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल्स का। एंड फिर आता है फिक्सिंग द प्रोग्राम रिगार्डेड फॉर्मेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ बनाने से रिलेटेड प्रोग्राम को फिक्स करना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, साथ साथ में कानून बनाने में भी। द डिसीजन रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ ऑर्डर, और जो डिसीजन लिया जाता है इस प्रकार में या एंड ऑर्डर विच विद विच बिल टू बी प्रेजेंटेड। तो जो भी डिसीजंस हैं, द टाइप एंड ऑर्डर, टाइप और ऑर्डर को भी डिसाइड करने का जो काम होता है बिल का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही ये जो बिल है इनको लेजिस्लेचर के अंदर प्रेजेंट करते हैं। देन फिर आता है आपका गेटिंग बजट प्रिपेयर्ड, बजट बनाना। द फाइनेंस मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये एनुअल बजट तैयार करते हैं स्टेट के लिए इन फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रखते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले। बट दिस बजट इज प्रेजेंटेड ऑन द पॉलिसीज डिसाइडेड। लेकिन ये जो बजट होता है ये तैयार किया जाता है पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज पर जो कि डिसाइड की जाती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। कौन सी पॉलिसीज हैं, कहाँ कहाँ पर बजट है जो बनेगा, उसमें बजट के अंदर एक्सपेंडिचर एंड इनकम दोनों इंक्लूड होती हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गेट द बजट, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बजट को पाने के लिए या बजट को पास करने के लिए, गेट पास्ड।
तो यानी हम कह सकते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं बजट को पास करने से रिलेटेड। चीफ मिनिस्टर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसे पढ़ना है आपको। आज मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड पढ़ाया है और इसके अंदर मैंने उसके पावर एंड फंक्शंस बताए हैं। इसके अलावा मैंने उनके फॉर्मेशन बताया है कि जो कैसे बनते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।